किंतु सुनीता फेरिले सुनीता भारतीय समय जिते बड़े देखा कि फेरी ना जहाँ नहीं कि वर्तमान समय चर्चा एवं बड़ कथा कि भारतीय समय भोर 3:30 आईएसएस छाड़ी आईएसएस छाड़बार 6 घंटा पर पृथ्वी में पहुंची तेज सका 9:31 जिते बड़े पूरा स्पर्श कर महाकाशयान और पाराचूट साहय पूरा लैंडिंग कर लैंडिंग प्रोसेस वैज्ञानिक मान पूरा नजर मध्यला तो बोइंग स्टार लाइनर को लेकिन जिते बड़े चर्चा होता है जिते बड़े लैंडिंग कर बड़ कथा हो भारतीय समय पूरा अतिक्रम कर भारत लैंडिंग करा जहाँ कि देखा कि अनेक चर्चा होता बोइंग स्टार लाइनर को लेकिन वर्तमान समय जिते लैंडिंग कर जो प्रोसेस जटिल प्रोसेस ताको अति सफलतार सहित अतिक्रम कर नासा वैज्ञानिक कहीं सारा विश्वर मैं नजर था जेहेतु देखा कि लैंडिंग कर जानते जून 5 तारीख में आईएसएस को उड़ाण भरी अनेक चैलेंजेस सहित बोइंग स्टार लाइनर तार देखिए भविष्य को लेकिन अनेक प्रश्न उठाला जेहेतु सुनीता विलियम्स और साथी फसी रही कि स्टार लाइनर आसवा बे चैलेंजिंग जो जून 13 तारीख पृथ्वी को फेरबार था किंतु जांत्रिक त्रुटि और जिते थ्रस्टर जेहतु त्रुटि जो यू हो पार अनेक कल्पना कल्पना सस्पेन्स आप देखते प्रकाश पाई प्रकृति में सुरक्षित लैंडिंग कर तो बोइंग स्टार लाइनर जहाँ को लेकिन वैज्ञानिक मैंने पूरा नजर मत रखी थे किंतु न्यू मेक्सिकोर स्पेस हार्बर जितेबाद पूरा भूमि को स्पर्श कर वैज्ञानिक मानते कहीपर एकदम उत्साहित कर निर्धारित समय पाराचूट साहय लैंडिंग करी बोइंग महाकाशयान स्टार लाइनर भारतीय समय भोर प्राय 3:30 बेले अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र छाड़ी स्टार लाइनर पृथ्वी अभिमुखे तार यात्रा आरंभ कर सकाल 8 बेलू तर जो प्रोसेस रही प्रोसेस आरंभ हो बड़ कथा हो कि पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश जिते उद्यम कर स्टार लाइनर से समयटा था गोटे क्रुशियाल पीरियड अर्थात जिते हिलियम लिक होता थ्रस्टर त्रुटि था यापर भी जिते पूरा लैंडिंग करूला से समय 4 मिनिट कहीपर ये बेस गुरुत्वपूर्ण था कि से 4 मिनिट अति सफलतार सहित जो स्पर्श कर वैज्ञानिक मैंने लैंडिंग समय से जितेबाद अनेक प्रश्न होता बोइंग स्टार लाइनर भविष्य कौन रहीपर आम कहीपर एक प्रकार पूर्णच्छेद पड़ जा तो वर्तमान समय देखिए कि केमी सुनीता और सहयोगी फेरबे से प्रक्रिया आरंभ हो सारी बोइंग फेरी कि सुनीता फेरी ना से देखिए कि 2025 मसीहा फेब्रुवरी मस में आसवे आम संपर्क अधिक आलोचना करवा मो सहयोगी सत्य बर्तमान जोड़ी होती सत्य सब बड़ कथा कि आज समस्त नजर था बोइंग स्टार लाइनर ये प्रकृत में सुरक्षित लैंडिंग कर तो नासा वैज्ञानिक नुहति सारा विश्वर वैज्ञानिक मैंने एकदम पूरा नजर रखी थे कि आम देखिल पाराचूट साहय पूरा सफलतार सहित लैंडिंग कला तो ये गोटे कहुए वैज्ञानिक मान महाकाश वैज्ञानिक कहवा कथा ये गोटे जटिल प्रक्रिया पूरा प्रोसेस केमती थिला देखु स्वागतिका जो बोइंग स्टार लाइनर को लेकिन जहाँ थिला आशंका थिला से सब वर्तमान दूर हो सबकि क्लीयर हो जाए बोइंग सफलतार सहित पूरा सुरक्षित भाव घर को फेरी आ पृथ्वी को फेरी आ बोइंग स्टार लाइनर जो महाकाश जानटी रही जहाँ जा जून 5 तारीख जा मात्र 8 दिन जा तार जो त्रुटि देखाई गुरुतर त्रुटि देखाई से पहुँचा पर जो थ्रस्टर समस्या रही था तार जो हीलियम गैस लीकेज होता भाल्व बंद हो ना ये सब जो समस्या रही था ताकू नहीं गोटे चिंता सारा विश्व चिंता प्रकट होता विश्वर वैज्ञानिक मैंने महाकाशचारी मैंने चिंता प्रकट करते जे सुनीता विलियम्स बज विलमर किभली फेरबे पृथ्वी को किभली फेरबे कारण देखूँ जो बोइंग स्टार लाइनर यह प्रथम मानव परीक्षण वा स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जहाँकि 8 दिन अवधि थी पाखापाखि 3 मास पर्यंत रहिबाक पड़ला महाकाश केन्द्र में मु आपन को देखेबा चाहिए पूरा प्रोसेस केमी थिला केमी से आईएसएस रु डिटाच हैला आपन देखंतु भारतीय समय पाखापाखि भोर 3:30 बेले ये आईएसएस रु अलग जो रही बोइंग स्टार लाइनर रही ये देखु धीरे धीरे आईएसएस अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र ये हूँ अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र आए हूँ बोइंग स्टार लाइनर जे कि यठार पार्किंग होता है ये आईएसएस सहित ये संजोग होता देखूँ भोर 4:00
भोर साढ़े तीन टा पखापाखि ये ISS2 डिटाच है आउ तार पृथ्वी अभिमुखे तार उड़ाण आरंभ कला। ये देखो ये वर्तमान ओपन अच्छी तार जो हैच रही तार जो डोर रही ये वर्तमान ओपन रही धीरे धीरे यहाँ बंद हो जो डोर रही ये धीरे धीरे बंद हो तार पृथ्वी आड़ को उड़ाण आरंभ कर जो रही बोईंग स्टार लाइनर ये धीरे धीरे पृथ्वी आड़ को अग्रसर हो बोईंग स्टार लाइनर आउ किसी समय पर यार जो हैच रही जो डोर रही ओपन रही से बंद हो देखु ये जो बोईंग स्टार लाइनर रही देखु ये जो एबी खोला रही बोईंग जो हैच रही खोला रही आपन देखो ये जो ब्लिंक हो देखु चार साइड जो ब्लिंक हो थ्रस्टर ये थ्रस्टर ब्लिंक हो थ्रस्टर इंजिन टा फायर कर जहाँ को पक्षक ठेला जा पक्ष को तार दिग पर कि भाव में ये ISS ठार अलग हेब आउ ठीक दिगरे पृथ्वी को फेर ठीक डिरेक्शन रे पृथ्वी को फेरब कारण जो निर्दिष्ट रही लैंडिंग साइट रही जो न्यू मेक्सिकोर जो रही स्पेस हार्बर रही सेठी लैंड कर तो से डिरेक्शन फेरवाईक सहायता करें जो थ्रस्टर इंजिन रही सीता मझे मझे जो ग्राउंड कंट्रोल रूम रो जो साइंटिस्ट माने रही से फायर करे हूँ से ही दृश्य देखु ये वर्तमान वायुमंडल पाखापाखि पृथ्वीर वायुमंडल निकटतर हो पृथ्वीर वायुमंडल में प्रवेश करने उद्यम प्रोसेस आरंभ हो रही बोईंग स्टार लाइनर ये वायुमंडल प्रवेश करने पूर्वर चित्र जो रही चित्रटी रही आखु यही जो समय रही था ये सबुठ क्रुशियाल समय रही था यही समय रे कौन हुए कि जितेबाला पृथ्वीर वायुमंडल में प्रवेश कै महाकाशजान से घर्षण जो घर्षण कारण अत्यधिक तापमात्रा उत्पन्न होता है पखापाखि 1600 डिग्री रु अधिक सेलसीयस पर्यंत तापमात्रा उत्पन्न होता है जो समय कि कौन सी जंत्रांश काम करें जहाँ आम कहे ब्लैकआउट फेज ये पखापाखि 4.5 मिनिट धरी था चली था ये जो प्रोसेस रही था पखापाखि 4.5 मिनिट पर्यंत चली था ये जो प्रोसेस रही था ब्लैकआउट प्रोसेस रही था जहाँ कहे ये से जो 4.5 मिनिट हूँ सबुठ क्रुशियाल पॉइंट गोटे महाकाश जानपी सबुठ क्रुशियाल पॉइंट जदि ये 4.5 मिनिट को सी अतिक्रांत कर आमर सटलटी सुरक्षित भाव में पृथ्वी को फेरी आसवाक सक्षम हो ये जो चित्रटी आप देखुं ये महाकाशजानी जो 4.5 मिनिट ब्लैकआउट समय पास करवा पर ये हूँ चित्र जितेबले कि दृश्यमान होता वायुमंडल प्रवेश करने ये दृश्यमान होता आउ ये देखु तापर देखु गोटे पाराचुट खोलुची दुईट पाराचुट खोलुची ये जो दुईट पाराचुट रही ये तार जो रही महाकाशजान जो गति स्पीड रही ये जितेबले तलकू खसु था पखापाखि 28,000 किलोमीटर बेगर घंटा प्रति बेग रही था 28,000 किलोमीटर यार बेग रही था 28,000 किलोमीटर धीरे धीरे स्लो करी तौक अणा जाए ये जो दुईट पाराचुट रही ये तार जो बेग को कम करने दुईट पाराचुट खोली आउतापर यार बेग धीरे धीरे कम हो देखु ये महाकाशजानी मैं थे आपको देखा चाहिए देखो ये धीरे 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 तौक आसपर आर जो हिट सिल रही जो गुटा कि जो टेम्परेचर को टेम्परेचर जो रही था तो ताकू जो जो सुरक्षा देता है क्रू मॉडल को सुरक्षा देता है हिट सिल्टा ताठू डिटाच होता है अलग होता है मेन पाराचुट खोलता है ये हूँ से मेन पाराचुट जो दु तीनो रही पाराचुट रही ये हूँ मेन पाराचुट जे कि लैंडिंग रे सहायक होता है गोटे महाकाशजान लैंडिंग रे सहायक होता है मुझे आउ थे देखा चाहिए जे बोईंग स्ट्रक्चर किभली रही है देखो ये हूँ बोईंग स्ट्रक्चर बोईंग जो सट रही महाकाशजान रही ये हूँ तार स्ट्रक्चर तीनोटी स्ट्रक्चर रही था गोटे हूँ क्रू मॉडल यहाँ हूँ क्रू मॉडल जो थे महाकाशचारी मैंने रही था बजाई था ये हूँ क्रू मॉडल ये हूँ सर्विस मॉडल ये जो सर्विस मॉडल रही एथे आपण जो जंत्रांश रही था जोटा जो थ्रस्टर इंजिन कहे छोट इंजिन कहे रॉकेट इंजिन रही एथे रही था ये पखापाखि 28 थ्रस्टर इंजिन रही था ये जो सर्विस मॉड्यूल तापर एटा ये जो जो प्लेट देखते ये हूँ हिट सिल जहाँकि आमको जो जो अत्यधिक तापमात्रु महाकाशचारी को सुरक्षा देता है ये जो सर्विस मॉड्यूल आउ क्रू मॉड्यूल या भितर ये रही था हिट सिल रही था गोटे प्लेट रही था जहाँकि जो तापमात्रा उत्पन्न हुए ये तापमात्रा को ऊपर को जीवा को दिए ना जो कि
सुरक्षित भाव में महाकाशचारी मैंने रही था ये जो सर्विस मॉड्यूल भितर रही था देखो जो वायुमंडल प्रवेश करे से पाखापाखि 1600 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तापमात्रा रही था किंतु या भितर जो इनर तापमात्रा जो जो क्यू मॉड्यूल जो रही ये क्यू मॉड्यूल से इनर तापमात्रा 20-21 डिग्री सेल्सियस मात्र थाए बाहर आप देखु 1600 डिग्री रु अधिक तापमात्रा किंतु जो इनर मॉड्यूल जो सर्विस मॉड्यूल रही है से जो टेम्परेचर से ही समय रही था 20-21 डिग्री सेल्सियस रही था ये हूँ हीट सील काम तापरे होपर आउ गोटे मॉड्यूल थाए जेकोसी महाकाश जान तीनोटी मॉड्यूल थाए आ गोटे हूँ सेफ एस्केप मॉड्यूल जो जहाँ कौचे क्यू एक्सपेक्ट उभय महाकाशचारी बोईंग प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स क्रू ड्रागन फेराई आणव तथापि से फेब्रुआरी 2025 पर्यंत अपेक्षा करने पड़ो यार भितर साधारण लोकों भितर विश्ववासी भितर क्वेश्चन उठू सत्य नासा बोईंग और गणमाध्यम यह सब गोटे बड़ प्रश्न पलटि कहीं बोईंग एटी सफलतार सहित लैंडिंग करें वर्तमान समय नासा योजना करुच्छे फेब्रुआरी मसरे फेर आने को देखु ये जो रही प्रोसेस रही गोटे सटल जीवापी तार गोटे निर्दिष्ट समय रही था गोटे सटल को प्रिपेयर होगा गोटे महाकाशजान को प्रिपेयर होगा महाकाश यात्रा करने कि समय रही था तेणु जो ये जो सटल टी आप जो बोईंग जो सटल टी ये तार थिला जो टेस्ट फ्लाइट थिला ये पूर्ण फ्लाइट नथिला जो माने परीक्षण स्टेज रे थिला तेणु बोईंग को प्रस्तुत आहुरी वर्षे समय दरकार आउ थरे ताकु टेस्ट फ्लाइट दबाक पड़ो जो पूरा संपूर्ण सुरक्षित हेले तापरे बोईंग को जीवा पड़ो किंतु बोईंग वर्तमान से संपूर्ण प्रस्तुत नुहे से नासा पक्षर विलियम सुनीता विलियम्स सेफ्टी दृष्टि निष्पत्ति जाए कि जो क्यू एक्स डार्गन रही जो एलन मस्क जो सटल टी रही आसन यो रही चलित मसर शेष सुधा ताकि लंच कर आईएसएस को जीव से चारज जीवार किंतु वर्तमान से दुईज महाकाशचारी जी आईटे प्रश्न अशेष जानवाक चाहिए सत्य जो बोईंग स्टार लाइनर भविष्य को लेकिन अनेक प्रश्न उठूला कहीं हिलियम लिक है थ्रस्टर त्रुटि है तो ताकि अनेक प्रश्न उठाऊ तो से प्रश्न उपरि पुनच्छेद पड़ जाए देखु आहरी अनेक परीक्षा निरीक्षा बाकी रही जो समस्या मूल समस्या थिला से केते दूर समाधान होते दूर सजाड़े वैज्ञानिक मान बोईंग कर्तृपक्ष सफल होती विश्लेषण कर नासा पूरा सठिक हेलापर पूरा निश्चित हेलापर ताकू पुणी उड़ाण अनुमति दिजिव आउ जो बोईंग जो फ्यूचर कथा कहु बोईंग देखो आईएसएस फ्यूचर मात्र आउ मात्र 5 वर्ष कारण 2025 फेब्रुआरी में सुनीता विलियम्स और बच विलमोर फेरबे किंतु बोईंग स्टार लाइनर देखा कि सुरक्षित भाव में लैंडिंग करसा कहीं सारा विश्वर वैज्ञानिकों भितर एक प्रकार उत्साह देखा मिली बहुत बहुत धन्यवाद सत्य।